हेलो स्टूडेंट, चलो चैप्टर में आगे चलते हैं। वुमेन आमरा बैंक ऑफ मैंगो प्रोडक्शन। द मीटिंग ऑफ वुमेन आमरा बैंक हैज जस्ट स्टार्टेड। मधुबेन इज इट्स चेयरमैन। दिस बैंक इज इस्टेब्लिश्ड बाय 20 मेंबर्स। एवरी मेंबर सेव्स ₹25 पर मंथ एंड डिपॉजिट इन द बैंक। हाउ मेनी ₹ आर कलेक्टेड बाय दिस ग्रुप इन एवरी मंथ। बच्चों, हमें ये कहा गया है कि इस बैंक के अंदर 20 मेंबर्स है और सभी मेंबर्स पर मंथ ₹25 सेव करते हैं या डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि सभी मेंबर्स मिलके टोटल कितने रुपीस बैंक के अंदर डिपॉजिट करेंगे। चलो, सॉल्व करते हैं। वन मेंबर सेव्स ₹25। नंबर ऑफ मेंबर इज 20। टोटल मेंबर कितने हैं? 20। तो टोटल टोटल अमाउंट कितना होगा? तो ₹25 1% से डिपॉजिट करेगा। ऐसे टोटल 20% है, यानी कि 20 times ₹25 डिपॉजिट हो गए। चलो मल्टीप्लाई करते हैं 25 का 20 के साथ। तो बच्चों, मैंने सिखाया था, सिंपल है। जीरो है लास्ट में, तो उसे साइड में रखो। अभी सिर्फ 2 को काउंट करो। 25 का मल्टीप्लिकेशन 2 से कितना होगा? 50। और एक जो जीरो साइड में था वो बाद में रख दो यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल पर मंथ ₹500 डिपॉजिट हो गए। हाउ मनी रुपीज़ विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स? 10 ईयर्स के अंदर कितने रुपीज़ कलेक्टेड हो गए? तो अभी ये जो अमाउंट मिला है वो पर मंथ है, ₹500 पर मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 10 ईयर्स के लिए फाइंड करना हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि 10 ईयर्स में मंथ कितने हो गए। तो लिखते हैं नंबर ऑफ मंथ्स इन 10 ईयर। 10 ईयर में टोटल कितने मंथ हो गए? तो आपको सिंपली पता कि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, देन 10 ईयर्स इज इक्वल टू ब्लैंक मंथ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे, 12 × 10 डिवाइड में 1 आएगा, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 12 का मल्टीप्लीकेशन 10 के साथ, यानी कि 12 × 10 = 120। इतने मंथ्स टोटल हो गए। अब हमारे पास पता है कि 1 मंथ के लिए ₹500 डिपॉजिट होते, तो 10 मंथ के लिए कितने हो गए? तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। 1 मंथ इज इक्वल टू ₹500, देन व्हाट इज फॉर द 120 मंथ्स? ओके, चलो सिंपल है, सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन होगा 120 × 500। आप याद रख सकते हो यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ पे, लास्ट में 3 जीरो टोटल है लास्ट में आने वाले, सभी को साइड में रख दो थोड़ी देर के लिए। आप कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो और ओरली भी कर सकते हो। चलो अब मैं दोनों मेथड दिखाऊंगा। 12 × 5 कितना होगा? 60। 1, 2, 3 जीरो थे, तीनों जीरो पुट कर दिया, यानी कि ₹6,000 पर ईयर, सॉरी पर 10 ईयर डिपॉजिट हो गए। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो भी कर सकते हो। 500 × 120, 1 से शुरू करोगे तो पीछे 2 डिजिट, 1, 2, तो 2 जीरो, 1 जीरो ज़ा 0, 1 जीरो ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5। सेम हियर, 2 की बारी, 2 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो रख देंगे। 2 जीरो ज़ा 0, 2 जीरो ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 0 + 1। ओके, चलो सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे 1 जीरो रह गया बच्चों। जीरो की
मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे नहीं ली क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो ही आएगा, वो एडिशन में ज़ीरो ही रहेगा तो कोई काम का नहीं। चलो लास्ट में ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो एंड फाइव प्लस वन सिक्स, यानी कि टोटल 60,000 रुपीज़ हो गए। चलो हमें क्वेश्चन के आंसर मिल गए, अब प्रैक्टिस टाइम दिए गए, कर लेते हैं। रेखा बोरोड अ लोन ऑफ ₹4,000, शी पेड ₹345 टू बैंक एवरी मंथ फॉर अ ईयर। उन्होंने लोन कितनी ली, 4,000 रुपीज़ की, और वो हर एक मंथ में ₹345 बैंक को रिटर्न कर रहे थे। हाउ मेनी रुपीज़ डिड शी पे टू द बैंक, उन्होंने बैंक को कितने रुपीज़ पे किए। चलो सिंपल ही है, सबसे पहले वन मंथ में वो रिटर्न कितने कर रहे थे, तो 345 रुपीज़, जो हमें यहाँ पे दिया गया है 345 रुपीज़ पर मंथ, सभी मंथ के लिए। तो एक मंथ में 345 रुपीज़ दे रहे थे, तो उन्होंने ऐसा एक ईयर तक, यानी कि एक ईयर यानी 12 मंथ्स, तो 12 मंथ तक उन्होंने ऐसे किया, तो कितने रुपीज़ पे किए। तो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 345 मल्टीप्लाई 12। चलो कर लेते हैं, 1 से शुरू करेंगे तो 1 के पीछे एक डिजिट है, तो 10, 15 5, 14 4, 13 3, 2 से शुरू करें तो 25 10 का 10, 1 कैरी, 24 8 प्लस 1 9, 23 6। चलो एडिशन, 5 प्लस 9 14, 1 कैरी, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 6 11, 1 कैरी, 1 प्लस 3 4, यानी कि उन्होंने बैंक को पे किए 4,140 रुपीज़। ठीक है, इतने उन्होंने इन एक ईयर के अंदर इतने पैसे बैक किए। हाउ मनी रुपीज़ आर येट टू बी पेड, चलो क्वेश्चन ये है कि अभी भी उनके कितने रुपीज़ देने बाकी रहते। तो यहाँ पे हमें सीधा दिख रहा है कि अभी फ़िलहाल एक भी रुपीज़ बाकी नहीं बचता है बैंक को देने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी तो लोन जितना लिया था यानी कि 4,000 का, उससे भी ज़्यादा रुपीज़ पे कर दिए। तो बच्चों एक्चुअली क्या होता है, आप सोचोगे कि सर 4,000 रुपीज़ लिए थे तो वापस इतने रुपीज़ पे क्यों किए गए। तो बच्चों याद रखना, आप जब भी बैंक से लोन लेते हो तो आपको जो प्रिंसिपल यानी कि ओरिजिनल कॉस्टिंग जितना है, आपने 4,000 रुपीज़ लिए थे, ठीक है, तो आपको वो पैसे रिफंड में इंटरेस्ट के साथ देने पड़ते, यानी कि इंटरेस्ट का मीनिंग है ब्याज, एक्स्ट्रा रुपीज़ रिटर्न में पे करने पड़ते हैं। जो बैंक ने हमें मदद की होती है उसके ऊपर हमें कुछ पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने 140 रुपीज़ जो ज़्यादा दिए वो उनका इंटरेस्ट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीरा एंड हर ब्रदर बोरो अ लोन ऑफ ₹21,000 टू बाय अ न्यू पेंट्स ऑफ ग्राफ्टेड मैंगो ट्रीज, न्यू प्लांट्स ऑफ ग्राफ्टेड मैंगो ट्री, दे पेड बैक ₹23,520 इन अ ईयर, हाउ मनी रुपीज़ दे वुड हैव पेड एवरी मंथ। उन्होंने 21,000 रुपीज़ लिए थे और 23,520 रुपीज़ उन्होंने रिटर्न किए। ठीक है, तो हाउ मनी रुपीज़ दे वुड हैव पेड एवरी मंथ, उन्होंने उनको एक मंथ के अंदर कितने रुपीज़ पे करने पड़े होंगे। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, उन्होंने लोन लिया कितने का, 21,000। ठीक है, आफ्टर वन ईयर पेड बैक कितने हैं, तो पेड बैक रुपीज़
23,520। ठीक है, तो सबसे पहले तो हर एक मंथ के अंदर उन्हें कितने रुपीस देने पड़ेंगे, चलो फाइंड कर लेते हैं। सिंपल है, सिर्फ डिवाइड करना है 23,520 रुपीस को 12 के साथ। चलो तो कैसे होगा, उन्होंने वन ईयर यानी कि 12 मंथ में कितने रुपीस पे बैक किए, 23,520 यानी कि 23,520 रुपीस पे बैक किए फॉर वन मंथ। कितने रुपीस हो गए, चलो सिंपल है कैलकुलेट कर लेते। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो वन का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ यानी कि आंसर हमारा आएगा 23,520 और डिवाइड में क्वेश्चन टेक के सामने वाला यानी कि 12। तो हमें इस नंबर को 12 से डिवाइड करना है। चलो डिवाइड 12 से करते हैं, तो 12 के टेबल में यहाँ पे दो डिजिट, तो यहाँ पे भी दो डिजिट से शुरू करके 12 वन ज़ा 12 सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आएगा 11। चलो ऊपर से कैरी डाउन हुआ 5, ठीक है 11 एंड पीछे है 5। चलो 12 के टेबल में कब आएगा, तो 12 9 ज़ा 108 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 5 में से 8 नहीं जा सकता, तो यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो 7, 0 में से 0 हो जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0। चलो अब ये 2 नीचे ले लेते हैं, 72 हो गया। 12 के टेबल में 12 6 ज़ा 72 दोनों 0 हो गया। चलो अब डिवाइड आगे नहीं चल सकता, लास्ट वाला 0 नीचे ले लो, फिर भी डिवाइड आगे नहीं बढ़ा तो ऊपर एक 0, ठीक है। अब पीछे कोई डिजिट है ही नहीं जो नीचे ले सके, हम बोरो कर सके या कैरी डाउन कर सके, तो ये जो ऊपर आ गया ये क्वेश्चन हमारा आंसर बन गया, ठीक है। यानी कि उनको 1960 रुपीज़ एवरी मंथ पे बैक करने पड़ेंगे, ठीक है। ये उसका एक इंस्टॉलमेंट बन गया, उसका इंस्टॉलमेंट कितने रुपीज़ का आएगा, 1960 रुपीज़ का, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो समझो और उसके हिसाब से आप आंसर दो। चलो बच्चों नेक्स्ट थियोरी नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे।